ट्रैवल करते करते हम जा रहे हैं लुधियाना से दिल्ली, और रास्ते में ये ढाबा आया, इसका नाम है मुल्तानी ढाबा। और मेरा मन कि आपको दिखाने का, बहुत टाइम पहले यहाँ पे एक बार खाना खाया था और इतना ज़बरदस्त खाना था, इतना मज़ेदार था कि दिल आ गया था। आज मैंने सोचा कि यहीं पे खाना खाते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या खास है यहाँ पे। आपको सिर्फ खाना नहीं और बहुत कुछ मिलेगा और इतना फेमिलियर। पहले तो ये देखो, ये इतने सारे ट्रक वाले जो भाई हैं अपने, वो सब यहीं पे रुकते हैं और उसका एक कारण है। आपको कारण दिखाता हूँ, आ जाओ। सदाजी सत श्रीकाल। सत श्रीकाल, की हाल चाल है सर? ठीक है जी। ट्रक वाले ढाबे ते आ गए हो? हाँ जी हाँ जी। की खाना है जी इत्थे? इत्थे बहुत सब्जी बन रही है, सब्जी भाजी वधिया। अच्छा, सहूलतां बहुत वधिया ने उरे। जी जी जी। हाँ जी, पखे लगे, सफाई बड़ी वधिया। तुसीं कित्थों कित्थे जा रहे हो? असीं अमृतसर तो आ रहे हो, दिल्ली जा रहे हैं। अरे वाह, अमृतसर तो आ रहे, दिल्ली जा रहे, और रस्ते च मुल्तानी ढाबे ते रुके है जी, न्यू मुल्तानी होटल एंड ढाबा। इतने सारे ट्रक खड़े हैं, देखो पीछे काफी ऐसे ट्रक हैं जो पूरे लोडेड हैं, और लोग ना अपने जैसे आसपास यहाँ पे गाँव से आते हैं तो स्कूटर या मोटरसाइकिल पे ट्रक से स्कूटर उतारते हैं और अपना घर चले जाते हैं। सामान सारा लोडेड रहता है और सेफ्टी इतनी ज्यादा है यहाँ पे कि जितने लोडेड ट्रक्स हैं यहाँ पे कोई किसी की कोई चीज को छेड़खानी नहीं करता, कुछ छेड़ता नहीं है। और ये ढाबा है, लुधियाना से जब आप दिल्ली जा रहे हो तो लेफ्ट में आएगा, ये ध्यान रखना, लेफ्ट में आएगा न्यू मुल्तानी ढाबा आते होटल। और इसके अलावा आपको पता है आले दुआले होर की हैगा जिहड़ा? नहीं नहीं, मतलब इहदे नाल नेड़े तेरे कोई होर निशानी केड़ी है? पंप है। केड़ा पंप है जी? है जी इंडियन पंप। इंडियन दा पंप आ रहा जी, इंडियन दा पंप इत्थे है एंड आ ढाबा है जी। आ जाओ तुसी, इंजॉय करो इत्थे आके। सरदार जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, क्या हाल चाल है सर? बस ठीक ठाक। सरदार जी, मैं देखिए ढाबा बहुत पुराना है, ये मुल्तानी ढाबा है। मुल्तान तो तुसी? नहीं, आई ना साडी गोत है। अच्छा, मुल्तान। अच्छा, आपकी जो कास्ट है, आपका जो सरनेम है वो मुल्तान है? हां जी हां जी। क्या बात है, वैसे आपकी फैमिली यहीं से? हां यही है। कहां से है वैसे आपकी फैमिली, कित्थों फैमिली थोड़ी? टांडा, टांडे से। टांडे तो। एंड मैं देख रहा जिहड़ा थोड़ा ढाबा है, हां जी, इहदे विच तुसी सारा कुछ रखे हुआ, ग्रोसरीज हो गई आपका, जैसे सब्जियां वगैरह सारा कुछ है, साथ में चप्पल टूथब्रश, ये क्या सिस्टम है सर? फिर गाहक, फिर ड्राइवर हर चीज ले लेंदा। अच्छा जी। गाहक फिर एक जगह चीज मिल जाती, मतलब जितने ट्रक ड्राइवर्स आते हैं या टैक्सी ड्राइवर्स आते हैं वो यहाँ पे तेल से लेके हेयर ऑयल हो गया, शैम्पू हो गया, फिक्सो हो गई दाढ़ी के लिए, फिर टूथब्रश हो गया, सब कुछ ले लेते हैं। बहुत बढ़िया। और ये कितना पुराना ढाबा है जी? 20 साल हो गए। 20 साल? वाह जी वाह। एक बार सब्जियां दिखाओगे जी कितना? सो भाई साहब, सरदार जी जो है ना यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त है कि इन्होंने सेटअप लगाया हुआ है। ये देखो पीछे सारे डिओड्रेंट्स हो गए, टूथपेस्ट हो गई, सोप बार्स हो गए, उसके अलावा ये इधर पजामे वगैरह सब कुछ ही रखा हुआ है। यार क्या बात है। सरदार जी दिखाओ कितनी है जी? ए, 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 अपना खीर। खीर है जी, मैं उधर ये देखो खीर। अच्छा, ये खीर है जी? हाँ जी हाँ जी। मारो। और जाली लगाई हुई है इन्होंने, जाली वही पुराने स्टाइल वाली है ताकि अंदर मक्खी मच्छर कुछ ना जाए। ये देखो भाई साहब, ये है खीर, ऊपर ऊपर तो मलाई जमी हुई थी। और इज की पाया हुआ जी? बादाम, काजू जी, इलाची। अच्छा जी, बादाम, इलाची समान पाया। दही। अच्छा, दही है, दही जमाने के लिए रख दिया है और ये भी यहाँ पे जम जाएगा। आइए सर, सब्जियाँ दिखाइए अंदर, जो ढाबे की सब्जियाँ है ना, अंदर लेके चलते हैं और ढाबे की किचन में दिखाते हैं सारा का सारा माहौल। इधर तंदूर लगा हुआ है। अच्छा, सारा कुछ सरदार जी तंदूर से ही बनता है? हाँ जी हाँ जी। वाह जी, ये देखो भाई बड़े बड़े पतीले हैं। चना है ये है जी? अच्छा, काले चने हैं? हाँ जी। वाह जी वाह, ये देखो भाई साहब एकदम कमाल, गोल्डन कलर है इनका, गोल्डन ब्राउन, और जबरदस्त गाढ़े छोले हैं। सरदार जी इसको ऐसे ही सर्व करते हो, तड़का लगाते हो? तड़का लगाते हैं इसको, बाद में तड़का लगाते हैं। ये देखो ये दाल है, ये हैगी है जी दाल। ये केड़ी दाल है जी? उड़द दाल। उड़द का राजमा, मूंगी, मूंगी बिच पाई। वाह वाह वाह, क्या बात है, मिक्स दाल है? हाँ जी हाँ जी। वाह जी वाह। इधर की है जी? मटर पनीर। मटर पनीर भी है? मटर है खाली। अच्छा, कल्ली मटर है? पनीर उत्तों पाके देने हो? हाँ जी हाँ जी। भाई साहब सब्जियां तो एकदम गाढ़ी लग रही हैं यहाँ पे, ये ढाबे वाली तरी वाली सब्जियां नहीं लग रही, ये रेस्टोरेंट वाली गाढ़ी सब्जियां लग रही हैं एकदम कमाल की। वाह, इधर क्या है सर? कढ़ी। भाई साहब ये है कढ़ी, दिखाइए सर, ये कढ़ी पकौड़ा है। और ओ हो भाई, पकौड़े बहुत बड़े सरदार जी, पकौड़े खाते जी? बेसन के पकौड़े? हाँ जी। प्याज भी पाया जी? नहीं नहीं, बेसन में प्याज नहीं पैंदे। अच्छा, कल्ला बेसन है? हाँ जी। वाह जी वाह, दही पल्ले लग रहे जी। आ की है जी? ये शाही पनीर। ये है जी इधर, ओ हो सेव भाजी। हाँ जी भाई, सेव भाजी रेडी, पहली बार देखी है, मतलब लोग ज्यादा करके फ्रेश ही बनाते हैं, यहाँ पे बनी हुई रेडी सेव भाजी। और ये क्या है सर?
पालक पनीर, पालक है ये। अच्छा पालक। हाँ जी, इसके साथ ये पालक भी है भाई, एकदम कमाल जबरदस्त। ये शाही पनीर। अच्छा ये है, ये भी सेव लग रही है सर। हाँ जी, मुझे लग रहा है। अच्छा शाही पनीर है। हाँ जी, ओ भाई पनीर को इन्होंने ग्रेट किया हुआ है और ये सेव लग रही थी, बहुत कमाल है। और क्या है सरदार जी? दाल। ये इधर बन रही है जी दाल, और भाई पतीला चेक करो। अच्छा अभी तो झाग आ चुकी है, निकालोगे? बहुत बढ़िया। और रोटियां दे कितने परौंठे? इधर आओ भाई साहब, सरदार जी ने आज हमें पूरा जो ढाबा है उसका टूर दे दिया है। और इधर जब आप आएंगे तो आपको दिख जाएगी यहाँ पे, ये देखो लच्छे पराठे, और उसके साथ अपना नान हो गया, तंदूरी रोटी हो गई, वो सब चीज़ें। एकदम कमाल की बातचीत है। और उस्ताद जी जो है वो लग गए कवाली करने, है ना उस्ताद जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सरदार जी ये कहाँ पे पड़ता है ढाबा? है जी, राजपुरा और सरहंद के सेंटर में। राजपुरा और सरहंद के सेंटर में। सेंटर में। वाह जी वाह। और ये क्या लोकेशन है, मतलब क्या शहर, कस्बे का नाम? साधु घाट। हाँ जी, साधु घाट नाम है जी। और यहाँ पे आप आओ और ट्राई करो। ये इधर हमारा स्टोर है। क्या बात है, इधर देखो भाई साहब ये स्टोर रूम है जिसमे इन्होंने आटा और बेसन और वो सब चीजें स्टोर करके रखी है। सरदार जी एक बार वो एक थाली लगाइए आप, कढ़ी और वो सब चीजें लगा के खिलाइए सर, हम तो उसकी वेट कर रहे हैं। तो भाई साहब सरदार जी के साथ साथ में हम कदम ताल कर रहे हैं। सरदार जी इधर ला दो थाली। हाँ जी, ये पट्टी है। इरिते की बनता जी? चाह पानी दूध गर्म कर दिए। चाह पानी ते दूध लिए जी पट्टी। और कोयले वाली भी है। अच्छा कोयले वाली पट्टी उधर है। हाँ जी, उधर ते तड़का लाने हो। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब, तड़का जो है वो उधर लगता है। ये शाही पनीर जो है वो तैयार हो रहा है, और देखो भट्टी के ऊपर फ्राइंग पैन में शाही पनीर जो है उसको रेडी करते हैं। भाई साहब मैंने सरदार जी को रिक्वेस्ट करी है कि आप हमें एक एक थाली जो है वो लगा के दिखाइए। पहले तो ये दाल भाई, कंसिस्टेंसी देखो दाल की। ओहो हो 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 भाई साहब, वैसे तो ये फेमस है ट्रकों वालों का ढाबा, बट भाई जैसे हम जैसे लोग जो ट्रक नहीं चलाते, ट्रैवल करते हैं, सड़क के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ये हिडन जेम है। ये देखो, ओए हो वाह क्या बात है जी। और सर एक उसमें कड़ी भी डाल के दिखा दो। वाह वाह वाह, ओ भाई ये आया मज़ा जबरदस्त यार, क्या बात है। सरदार जी तुसी मेरे दिल की गल ना बिल्कुल जान ली, मैं चाहता सी भी वड्डी कटोरी से कड़ी खाधी जावे, तुसी वही करता। तो सरदार जी अगर किसी नु ये अगर किसी को ये खानी हो, हाँ जी मैं हिंदी और पंजाबी मिक्स कर गए, ये अगर किसी को खानी हो तो कितने की थाली शुरू हो जाती है? 100 रुपए का। 100 रुपए से? हाँ जी, 4 रोटी। हाँ, 5 रोटी जी और एक चीज मिलेगा। अच्छा एक सब्जी और 5 रोटी। हाँ, 100 रुपए में। 100 रुपए। वाह वाह वाह। और दिल्ली हाईवे पे 100 रुपए में रोटी, वो भी इतनी जबरदस्त। भाई साहब आ जाओ यहाँ पे खाने, हम तो खाने वाले। देखो भाई यहाँ पे ना कुछ लोग, क्योंकि अभी लंच टाइम हुआ नहीं है तो लोग कुछ खा रहे हैं, इनसे भी पूछते हैं कैसे हो सर, क्या हाल है जी? एकदम बढ़िया जी, सारी वीडियो देखते हैं, देखते रहते हैं आप? आप यहीं पे ढाबे पे हैं या? नहीं मैं गाड़ी है, ट्रक ड्राइवर। अरे वाह क्या बात है, तो क्या खाने वाले हो आप? नहीं अभी कुछ नहीं, अभी तो बस जैसे कपड़े धोने हैं। अच्छा फिर खाएंगे। क्या बात है, पराठे वराठे कुछ नहीं? नहीं अभी बिल्कुल। तो आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं अभी? मैं अभी लोकली चल रहा हूँ, वैसे तो महाराष्ट्र चलते हैं। अरे वाह, अभी थोड़ा काम में थोड़ा मंदा है इस करके लोकली। तो लोकल पंजाब में ही अभी? हाँ, हरियाणा से, पंजाब से। बहुत। आपका नाम सर? मेरा नाम डिंपल है भैया। डिंपल भाजी, थैंक यू भाजी। तो यहाँ पे देखो भाई साहब जो है वो पराठे एंजॉय कर रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं सर आपको? कहाँ से आप? पठानकोट से। और जा कहाँ रहे हैं? पानीपत। तो ये आपका रूट है पठानकोट से पानीपत? अच्छा आप ट्रक लेके आए? वाह जी वाह। और ये देखो भाई पराठे जो है वो यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। कितों आए तुम? है जी लालड़ू तो, जाना किधर नु है? अच्छा अच्छा मतलब ट्रक चलाने तुसी भी? हाँ जी। क्या बात है, ठीक है सर एंजॉय करो जी तुसी भी। यहाँ देखो भाई साहब बहुत सारे लोग हैं जो एंजॉय करते हैं। जसविंदर जी अपनी थाली लग गई? हाँ जी बस लग रही है। भाई साहब इधर अपनी वाली थाली जो है वो लगने वाली है। और इधर भाई देखो देसी, ये देसी घी मक्खन है जी? देसी घी है। अच्छा बच्चे मक्खन भी है तो देसी घी हो गया। देखो जी आ गया कुछ। कैसे हो जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक जनाब। कहाँ से हो आप? मैं जम्मू से। आप? अरे वाह। और कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली। दिल्ली जा रहे हैं? जम्मू से दिल्ली ट्रक लेके? जी जी। क्या लेके जा रहे हैं उसमें सर, लोड क्या किया है? सेब है सर, एप्पल। अच्छा एप्पल लेके जा रहे हैं? जी जी। अरे वाह। और यहाँ पे पंजाब का खाना आप खाने रुके हैं मुल्तानी ढाबा पे? जी जी पक्के रुकते हैं। पक्के रुकते हैं? क्या खाने क्या वाले हो? दाल शाल। दाल शाल, शॉल तो सर कश्मीर में मिलेगी। ठीक है सर, करिए आप एंजॉय करिए। ठीक है जी, थैंक यू, सत श्री अकाल जी। भाई साहब थालियाँ रेडी हो रही हैं इधर देखो। ओ वाह,
दाल मखनी और साथ में ये छोले और कढ़ी और ये ऊपर से देसी घी। ओह वाह भाई, ये है पंजाब। आप जो भी कहो, पंजाब की जो मेहमान नवाजी है ना, ऐसा कुछ और है ही नहीं, पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा आपको। ये देखो थालियां तैयार हैं और ये अभी हमारे पास आने वाली है और इसको हम खाने वाले हैं और चखने वाले हैं। भाई साहब, ये है आज का हमारा स्वाद वटांदरा स्पेशल थाली। इसके साथ सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें है जी ये काले छोले। ओए होए होए भाई, तरी वाले काले छोले तो बहुत खाए होंगे, बट ये गाढ़े वाले जब मम्मा घर पर बना रहे होते हैं ना, तो हम तरी बनवाने से पहले बोलते हैं ना कि भाई छोले दे दो अलग से, ये वो वाले हैं। और इसके साथ ये दाल, भाई एक मिनट में मलाई जम रही है, इतनी ज़्यादा टेक्सचर वाली गाढ़ी दाल है। ये देखो मुंह में फुल ऑन पानी आ रहा है। और एक आपको दिखाता हूँ सबसे बढ़िया चीज़, जो ये अब व्यू आपको अच्छा आएगा। ये देखो ये है जी कढ़ी, ऊपर जो देसी घी उन्होंने ढाला ना भाई साहब, कसम से पाप करने का मन कर रहा है मेरा। ये देखो ओहो, तो भाई अभी क्या करते हैं, यहाँ से एक बाइट जो है वो तोड़ते हैं और मेरा मन है कि कढ़ी खाई जाए। तो कढ़ी का ये पकौड़ा लिया एंड इधर से ये डिप करी कढ़ी। एंड भाई साहब, हियर इज़ अ बाइट ऑफ द स्पेशल कढ़ी। और ये कढ़ी जो है ना, ये बहुत ज़्यादा लोगों ने रेकमेंड करी है। जसविंदर भाजी ने रेकमेंड करी, उन्होंने बोला कि भाई ये कढ़ी ट्राई करो, तो हियर गोज। भाई साहब, ऐसी कढ़ी वाकई में आपने कहीं नहीं खाई होगी। इतना बड़े साइज का पकौड़ा और भाई साहब इतनी ज़बरदस्त कड़ कड़ के बनाई हुई कढ़ी और इतने ज़बरदस्त मसाले, एक क्रंची तंदूरी रोटी, ऐसा कुछ और है ही नहीं भाई। अगर आपने यहाँ पे नहीं ट्राई किया है तो ज़रूर करो भाई, आप बोलोगे डेफिनेटली हरिया भाई तो कमाल है।